हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। जेकेपीएससी की तरफ से 2023 का फ्रेश रिक्रूटमेंट अनाउंस किया गया है, जिसमें 285 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। पोस्ट का नाम क्या है? पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो आप सबके लिए पीएससी ने ये फॉर्म निकाल दिया है, रिक्रूटमेंट अनाउंस कर दिया है। कल ही आज 3 मार्च को इसके फॉर्म लगना भी शुरू हो जाएंगे। इसकी लास्ट डेट है 31 मार्च 2023। पूरे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर। जेकेपीएससी की तरफ से ये फॉर्म निकाला गया है। फॉर्म भरने की डेट आज से फॉर्म शुरू हो जाएंगे, 3 मार्च 2023 से लेकर 31 मार्च 2023 तक। वैकेंसीज हैं 285, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। और सभी स्टूडेंट्स पीजी किसी सब्जेक्ट में करते हैं, कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन में कर रहा है, कोई किसी सब्जेक्ट में कर रहा है, हर स्ट्रीम के लिए इसमें फॉर्म निकले हैं। कुछ वैकेंसीज हर एक स्ट्रीम में आई हैं, हर एक सब्जेक्ट में। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है, क्योंकि हर कोई ये फॉर्म नहीं भर सकता। अगर आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, 55% मिनिमम इसमें मार्क्स रखे गए हैं, तो आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा, आपका नेट स्लेट सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप लोगों ने पीएचडी किया है, आप में से जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, एलिजिबल हैं, अगर आपका पीएचडी है तो फिर आपको नेट की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास नेट क्वालिफाइड नहीं भी है तो। एज की अगर बात करें, 40 इयर्स इसकी एज है, ओपन मैरिट जनरल कैटेगरी की। और जो बाकी कैटेगरीज हैं, किसी की 42 है, 43, वो आप पूरा नोटिफिकेशन एक बार देख लीजिए। फॉर्म भरने की फ़ीस है 1000 रुपये। सिलेक्शन जो होगा उसमें आपका रिटन टेस्ट के 70 पॉइंट्स हैं, और बाकी आपके नेट सेट वगैरह के इसमें पॉइंट्स काउंट किए जाएंगे, तो वो मिला के आपका एक ओवरऑल फाइनल सिलेक्शन होगा उसके बेसिस पे। अगर आप चाहते हैं कि किसके कितने पॉइंट्स हैं, क्या है क्या नहीं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सेट या स्लेट के पॉइंट होंगे 1 पॉइंट, नेट का 2 पॉइंट्स, GRF 3 पॉइंट्स, MPhil के 2 पॉइंट्स, PhD के 5 पॉइंट्स, और पोस्ट डॉक्टरल मिनिमम 1 ईयर 1 पॉइंट। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स का सिस्टम है, वो आप एक बार देख सकते हैं। अगर आपको कोई अवार्ड मिला है नेशनल स्टेट लेवल पे, जो भी आपका है उसके अकॉर्डिंग। तो ये एक रिक्रूटमेंट जिसमें इसका एग्ज़ाम भी होगा। एग्ज़ाम का सिलेबस जो है वो नोटिफाई किया जाएगा थोड़े दिनों में। 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस पर आपसे पूछे जाएंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों ने किस स्ट्रीम के लिए अप्लाई करना है, किस सब्जेक्ट के लिए आप भरना चाहते हैं, और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, और कौन कौन कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं फॉर्म भरने के। और जो भी ये नोटिफिकेशन आया है 2023 का, जो डिग्री कॉलेजेस में जो असिस्टेंट प्रोफेसर आप में से ही कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, तो अच्छे से तैयारी करिए। अपने सब्जेक्ट के बारे में जो भी आपने भरना है, पूरा नोटिफिकेशन पीएससी की साइट पर है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से भी आप लिंक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।